पारळारे महादी शासन पारळा महाराज गोपीनाथ गजपति नारायण देवंक परलोक परे राजपरिवार रीतिनीति अनुजाई सिंहासन आरोहण करिछंती तांक कन्या कल्याणी गजपति विधिवत भावे राजपुरोहित कल्याणी गजपति राज्याभिषेक करिथिले। यापरे पारळा राजपरिवार दायित्व ग्रहण करिथिले कल्याणी गजपति। राजदे कल्याणी गजपति निर्देश अनुसारे पारळा महाराज गोपीनाथ गजपति शेष यात्रा बाहरीथिला। गतकाली पारळा महाराज गोपीनाथ गजपति नारायण देवंक भुवनेश्वर एक घरोई हॉस्पिटल रे देहांत घटीथिला। यहापरे मरशरीर को भुवनेश्वर पारळाखेमुंडि नियाजैथिला। राजदे कल्याणी देई निर्देश अनुजाई महाराज गोपीनाथ गजपति शेषकृत्य संपन्न होइथिला। पारळा इतिहास रे जने महिला भावे राजसिंहासन आरोहणर प्रथम घटना। पारळारे महादेव शासन पारळा महाराज गोपीनाथ गजपति नारायण देवंक परलोक परे राजपरिवार रीतिनीति अनुजाई सिंहासन आरोहण करिछंती तांक कन्या कल्याणी गजपति। विधिवत भावे राजपुरोहित कल्याणी गजपति राज्याभिषेक करिथिले। यहापरे पारळा राजपरिवार दायित्व ग्रहण करिथिले कल्याणी गजपति। एने अधिक सुनापाई सीधास्थल नहीं चलु पारळा अच्छा प्रतिनिधि आदर्श दास। आदर्श, पारळारे महादेव शासन गतकाली महाराज देहांत पर कन्या कल्याणी गजपति दायित्व ग्रहण कर कौन क्यों विशेष रीतनीति अनुष्ठित होता कौन परंपरा रही। हाँ पूर्व गतकाली पारळा महाराज गोपीनाथ गजपति देहांत पर उत्तराधिकारी भाव कल्याणी गजपति पारळा राजपरिवार परवर्त उत्तराधिकारी हिसाब से दायित्व ग्रहण कर राजपरंपरा रही प्रथम राजप्रसाद मुख्य बाट जो रही मुख्य फाटक जो रही मुख्य फाट दे के शब प्रवेश किसी कौन शब ता दे गति करे जो प्रथा रही पारळा मुख्य राजप्रसाद पछपटू गोपीनाथ गजपति पार्थिव शरीर प्रथम राजप्रसाद प्रवेश करवर्त मुहूर्त स्थानीय जगन्नाथ मंदिर रामस्वामी मंदिर में कल्याणी गजपति पूजा अर्चना होगापर जहां गजपति पर रीतनीति रही पारळा राजप्रसाद कल्याणी देवी राजाभिषेक होता। एने आम सहित अच्छा राजप्रसाद पूर्वतन कर्मचारी जे कि कृष्णचंद्र गजपति और गोपीनाथ गजपति सहित काम कर अवसर नहीं पारळा राजप्रसाद कर्मचारी हिसाब से आम सहित अच्छा देव पट्टनायक पचार कौन सब परंपरा रही आज्ञा कौन कह राजपरंपरा कौन रही गत काली जो घटना है जो दुखद घटना है गोपीनाथ गजपति देहांत पर कल्याणी गजपति जो राजपरिवार उत्तराधिकारी भाव दायित्व नहीं कौन सब प्रथा रही परंपरा रही दैनिक नियम अनुसार पब्लिक नियम अनुसार जहाँ कहते हैं तद्रूप क्या हम अन्य किसी ना आम जगन्नाथ पाखे प्रसाद सेवन एवं गोटे ब्राह्मण खाइब पार दिन मासिक खाइब सी एक वर्ष पर्यंत खाइब यह आमर जो गोपीनाथ अच्छा लिहरी से बार दिन पर्यंत गोटे ब्राह्मण खाइब आमर जो परंपरा रही आपण जाणिबा मध्यरे केबे आमर परंपरा आमर इतिहास रे जणे महिला आमर राजस्व परिवार रो मुख्य भावे दायित्व ग्रहण करिया प्रथम नागुरु केबे हिच आगुरु केबे हेबार मु जानिनी मु मोर जॉइनिंग ता होची 1952 आ शेष होची 2000 अक्टूबर 2nd ए भीतर के सेमती किछि हेई नै एटा होची प्रथम अपन जहां सुनते पारळा राज इतिहास में प्रथम थर पर जन महिला राजपरिवार उत्तराधिकारी भाव दायित्व रही पारळा राजगादी में बस तेज आदर्श जानवाक चाहिए पारळा इतिहास कहले जन महिला भाव राजसिंहासन आरोहण करने प्रथम घटना अटे यहां पारळा लोकों मध्य प्रतिक्रिया कौन से कौन प्रतिक्रिया रखिंट निश्चित भाव गोटे उत्साह समस्त मन में अच्छी जदिओ प्रथम दुखद घटना घटला मनर दुख थिला किंतु परवर्ती समय रे जेतेबेले जने महिला पारळा राजवंशर उत्तराधिकार भाव दायित्व ग्रहण कर समस्त मन में गोटे उत्साह सृष्टि एवं समस्ते राजकुमारी कल्याणी देवी को गत काली संध्याटू समस्ते शुभेच्छा जनवाई सुअ छुटी पारळाखेमुंड शहशह जनता राजप्रसाद को आसी कल्याणी देवी को शुभेच्छा जनाई अपूर्व तबरे कल्याणी देवी रिएक्शन कौन थी राजपरिवार दायित्व मिलवा पर से दायित्व को किभली सुचारू रूपे तुलेबे से नहीं रिएक्शन कौन थी से कौन ब्लू प्रिंट प्रस्तुत कर से जदिओ प्रथम निजर बापा देहांत पर मनरे कि दुख थिला किंतु परवर्ती समय एत बड़ शासन गादी को निजे संभाले मन में उत्साह अच्छी
କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ରାତିଠୁ ଯୋଉ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଛି ପାରଳା ରାଜପ୍ରସାଦରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଆମେ ନେଇପାରୁନାହୁଁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ସକାଳେ ଯାହା ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି ସେ ବାପାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପାଇଁ ଯଦିଓ କିଛି ମନରେ ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଉତ୍ସାହ ବି ରହିଛି ଯେହେତୁ ପାରଳା ରାଜଗାଦୀରେ ସେ ବସିଛନ୍ତି।